Hey guys, welcome back to Mr. Pro 2.0. तो guys, आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं Minecraft. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, मैं वन ब्लॉक के ऊपर हूँ. तो आज हम करने वाले हैं वन ब्लॉक चैलेंज. एंड यार गाइस, ये वन ब्लॉक मैंने कभी भी नहीं खेला, ये मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ. एंड आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा. तो ये है एपिसोड नंबर वन. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो बेसिकली गाइस, आप सब लोगों को पता ही होगा कि वन ब्लॉक में बेसिकली क्या करना पड़ता है. ये वाला जो ब्लॉक है वो इनफाइनाइट तक माइन होता रहेगा. एंड हमको कुछ ओपी ओपी आइटम मिलेंगे, जैसे कि डायमंड, और मतलब डायमंड तो नहीं मिलेंगे, डर्ट, वुडन प्लैंक्स, वुड, वैसे चेस्ट वगैरह मिलेंगे. तो लेट्स सी क्या मिलता है सबको. ओके, पहले डर्ट मिली है और एक डर्ट. ठीक है, तो डर्ट से हम अपना पूरा सरफेस बना देंगे यहाँ पर. ओके, और एक चेस्ट मिली है, देखते हैं उसके अंदर क्या है. ओके, ब्रेड है और ये कुछ गाइड वगैरह है. लेट्स सी, देखते हैं क्या है. इम्पोर्टेंट नोटिस लीड. अरे भाई, ये सब मुझे पता है यार. खामखा यार, ये लोग वेस्ट करते हैं अपना टाइम. अबे ओके, तो अभी चेस्ट को भी ले लेते हैं, सामान रखने के लिए काम आएगा हमको. तो शायद से अभी हमको इतना काफ़ी रहेगा. तो अब हम अपना बनाते हैं बेस. तो इसको रख देते हैं यहाँ पर. कुछ ऐसे करके हम अपना सरफेस बना देंगे पूरा. ओके, और माइन करते हैं. विजिट माय चैनल. ओके यार, डर्टी मिल रही है यार. ओ, पम्पकिन मिला है. चलो कोई नहीं, पम्पकिन के सीड से हम मुर्गी को खाना खिलाएंगे. एंड इस चेस्ट के अंदर पता नहीं क्या. ओके, सैपलिंग्स मिली और फ्लावर. ओके, चलो अब वुड माइन कर लेते हैं, क्योंकि वो हमको बहुत ज़रूरी होगा सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए. एंड हेबल्स भी आ चुके हैं खाना लेने के लिए. ओके, क्ले क्यों मिल रहा है भाई. अरे, ये मैं कहाँ आ गया. ओह भाई, काउ स्पॉन हो गई. अभी बच गया. ओके, काम करते गाइस. यहाँ पर काउ लोगों के, मतलब एनिमल्स के लिए एक अलग सा ही बेसमेंट बनाते, वहाँ पर उन लोगों को रखेंगे. ओके नाइस यार, मेरे को पसंद आया यार. लेकिन अगर गाइस कोई भी जॉम्बी या फिर क्रीपर वगैरह जो स्पॉन होंगे ना, तो भाई हम ख़त्म भाई. ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख देते, चला जा. अब तो हम माइन करेंगे आसानी से. ओके, बोन मिल मिली है. ओके या इस बोन मिल जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उससे हम अपना सब कुछ कर सकते हैं, मतलब ट्री को बड़ा कर सकते हैं. एंड उसकी मदद से हम वुड ले सकते हैं. ओके यार, हमारा, अरे पिकेक्स नहीं बनेगी क्या. अरे यार गाइस, यार हमारी पिकेक्स नहीं बन पाएगी. हमारे पास वुडन प्लैंक्स एकदम ही कम है, तो इसको हाथ से ही माइन करना पड़ेगा. लेकिन वो हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्या ही करें. और एक बोन मिल. अबे यार, खैर कोई नहीं, जल्दी हो जा यार. एंड गाइस, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई, आपके भाई के लिए थोड़ा सा सपोर्ट बरसाओ. ओके, तो यहाँ पर हमको प्लैंक मिल चुका है, वुडन लॉग मिल चुका है. भाई कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, बस इतना काफ़ी रहेगा. तो अभी सबसे पहले हम वुडन प्लैंक बना देते हैं, और हम बनाएंगे दो पिकैक्स ही बना देते हैं, ताकि अच्छा रहेगा. तो अब हम माइन करेंगे पिकैक्स से, यहीं पर ही था ना. ओके फाइनली गाइस, हमको बोन मील मिल चुका है, जैसा कि आप देख ही सकते हो. तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं माइनिंग में, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद. A few moments later. Oh bhai. So guys, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, हमको यहाँ पर इतना सारा आइटम मिल चुका है. तो अभी हम अपना बेसमेंट बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉब्स भी स्पॉन हो रहे हैं. जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मशरूम का भाई साहब, लिटरली भाई कितना मस्त लग रहा है. एंड यहाँ पर काव और शीप है. तो चलो अभी हम अपना बेसमेंट बड़ा कर देते हैं. और
अभी गाइस मेरे दिमाग में कुछ एकदम ही अलग सा आइडिया आ चुका है। तो देखो, हम यहाँ पर बनाएंगे फार्म इन लोगों के लिए, एंड थोड़े दूर हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। वो भाई बच गया, वरना नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर हम ब्रिज जैसा बनाएंगे, एंड वहाँ पर हम अपना सरफेस बनाएंगे, एंड वहाँ पर हम खेत वगैरह कुछ बनाएंगे, घर भर जो बनाना है वो। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। ओ नो यार, अरे गाइस मशरूम खाओ नीचे गिर गए। अरे शिट मैन, कोई नहीं, चलो। तो यहाँ पर गाइस हमारा सारा सामान मतलब डर्ट ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हेबेल से वीट बना लेते और वीट का लालच देकर इन लोगों को यहाँ पर ये वाले पर ले आते। आ जाओ और बस बस। तो ये लोग ऐसे तो यहाँ पर आएंगे नहीं, और यहाँ पर दो तीन ब्लॉक लगा देते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। कोई नहीं, तो सबसे पहले हम वुडन प्लैंक्स बना लेते। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी माइनिंग पर। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक मतलब कोई भी मॉब यहाँ पर स्पॉन होगा। तो सबसे पहले हमको हमारा बेड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको चाहिए वूल, तो हमको इसको मारना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा फूड सोर्स ख़त्म हो गया तो हम इनका मीट भी ले सकते हैं। तो अभी इन लोगों के लिए बचा के रखना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम अपना फार्म, अबे यार ये क्या ही था भाई, हमारे तीन एनिमल नीचे चले गए, लिटरली तीन। खैर कोई नहीं, इनका जो सरफेस है वो बड़ा कर लेते हैं, एंड हम अपना एनिमल फार्म वहीं पर ही बना देंगे। सो ये रही हमारी सारी डर्ट तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं है, है थोड़ी बहुत डर्ट है। सो ओके, रोटन डर्ट भी है, लेकिन कोई नहीं। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो अभी सुबह हो चुकी है, एंड हमारा एनिमल्स का फार्म कुछ है, एंड यहाँ पर मैंने दो सैपलिंग्स लगाए ताकि उन लोगों को भी नेचर में रहने का पसंद आए। एंड बाकी के जो हमारे एनिमल्स थे वो रात को ही नीचे गिर चुके थे, बिकॉज फैंस ठीक से नहीं लगी हुई थी, इसलिए मतलब ठीक से तो लगी हुई थी लेकिन उनको वहाँ पर ले जाने के लिए तब वो बहुत सारे एनिमल्स गिर गए थे। तो अभी हम बोन मिल बना देते हैं, इससे बहुत सारी, एक स्टैक से भी ज़्यादा है हमारे पास बोन मिल, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी हम बोन मिल यूज़ करेंगे इन लोगों को बड़ा करने के लिए, मतलब पेड़ को। एंड भाई साहब कितना बड़ा ट्री हो गया है लिटरली। तभी थोड़े ट्री की कटाई कर देते, थोड़ा जाने के लिए रास्ता बना देते। ओके, एंड हमको बहुत सारे सैपलिंग्स भी मिले हैं भाई लिटरली। तो अब इसको थोड़ा सा बोन मिल कर देते। ओके भाई कितना, ओ डैम गाइस, कमेंट में बताना कैसा दिख रहा है, मतलब इतना भी अच्छा तो नहीं दिखेगा अभी, लेकिन फिर भी भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता, एंड ये देखो गाइस फैंस गेट, ताकि अबे अबे अंदर अंदर जा, बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सो ओके, तो इन लोगों के लिए भी नेचर का तो हो चुका है। तो अभी आई मैं सोच रहा हूँ कि अंदर भी कुछ बना देते हैं एक ट्री जैसा। तो चलो, हमारे पास सैपलिंग्स भी बहुत सारी है, तो इसको बंद कर देते। अबे बंद हो जा गाइस, यार ये तो बंद ही नहीं हो। ओके हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग एक ट्री उगा देते हैं छोटा सा, बोन मिल मारते ताकि बड़ा हो जाए। ओके ओके गाइस, तो इन लोगों के लिए कुछ इतना कुछ हो चुका है, मतलब अब इन लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना पसंद आएगा। तो अभी हम अपना घर बनाएंगे, मतलब घर भर वगैरह और अपना लिविंग बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई हमारे पास बहुत सारा आइटम हो चुका है, तो अभी यहाँ पर चेस्ट रख देते जिसमें से हम अपना आइटम कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा बड़ा चेस्ट हमको चाहिए। तो ओके, हमारा बड़ा चेस्ट हो चुका है, तो हमको वाटर बकेट और सब कुछ इसमें रख देते हैं, और जो भी काम की चीज़ है वही रख देते हैं अपने पास। थोड़ा फूड, एंड हमारा जो कुछ बेस है
वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मैं अपना बेसमेंट बना रहा हूँ वुडन स्लैब की मदद से, ताकि यहाँ पर कोई मॉब भी स्पॉन ना हो। एंड वहाँ पर हमारा एनिमल फार्म है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे इस वाले को। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, हमारा ये वाला जो बेस एकदम रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पर मैंने छोटा सा मुर्गियों के लिए फार्म भी बनाया है। एक सेकेंड भाई, मुर्गी ने अंडा दिया है, लेट्स गो, देखते हैं। बंद हो जा। ओके भाई, मुर्गी ने अंडा दिया है, ये देखो ये देखो, उसके ऊपर ही मारते हैं, कुछ नहीं हुआ भाई। चलो अभी बाहर चलते, मुर्गी तो अंदर ही रहे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर मुर्गी का फार्म है। एंड यहाँ पर है हमारा गाय का फार्म, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, काऊ ही काऊ है। एंड यहाँ पर फेंस लगानी पड़ेगी, वरना कोई भी मर जाएगा। तो चलो अभी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड चेस्ट के, अबे यार लिटरली एक स्टैक पूरा, भाई साहब एक स्टैक हमको वुड मिला, एक स्टैक, और उनसे कितनी सारी वुडन प्लैंक्स बनेगी यार लिटरली। ओके, तो चलो भाई सबसे पहले इससे वुडन प्लैंक्स बनाते हैं। एंड थोड़ी सी फैंस बनानी पड़ेगी हमको, जो कि एकदम ज़रूरत है हमको फैंस की। ओके, तो यहाँ पर हमारी फैंस बन चुकी है। एंड एक फैंस यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ताकि कोई गिरे ना, और एक यहाँ पर, परफेक्ट। एंड गाइस और एक बात, जैसे कि ये देखो यहाँ पर चेस्ट है, तो चेस्ट की मदद से कोई भी उस साइड मतलब वॉइड में गिर सकता है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी सी और थोड़ी सी फैंस लगा देता हूँ, ताकि अच्छा रहे, कोई वॉइड में ना गिरे। ओके, तो ये कैसे, आप देख सकते हो कोई भी जंप करके उस पार नहीं जा सकता है। एंड यहाँ पर हमारी मुर्गियों का फार्म भी है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। एंड पर ओक लीव्स का पता नहीं कुछ है, तो उसको लगाते हैं, लग भी नहीं रहा। ओके, तो अभी मेरे पास एकदम ढांसू आइडिया है। तो सबसे पहले हमको थोड़ी सी वुडन प्लैंक्स चाहिए होगी उसके लिए। एंड अभी बनाएंगे स्टिक, तो स्टिक से बनाएंगे अपनी वुडन शॉल, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो ये रही हमारी वुडन सॉयल। अब ये देखो, जैसे कि यहाँ पर रास्ता है मेरे घर तक जाने के लिए, तो जो जो रास्ता है वहाँ पर कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। कैसा लग रहा है गाइस लिटरली में भाई साहब, तो कुछ ऐसा करेंगे। एंड अभी हम अपना वो वाला भी बनाएंगे, मतलब अपना छोटा सा गार्डन भी बनाएंगे, मतलब जिसमें पेड़ की कटाई होगी वो सब वगैरह। एंड भाई साहब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का रास्ता बन चुका है यहाँ पर। एंड रास्ते में बीच यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट ब्लॉक है, जो जिसकी मदद से हम कुछ भी माइन कर सकते हैं। एंड ये रास्ता यहाँ तक जाएगा। ओके, सो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कितना कूल दिख रहा है ये। एंड भाई लिटरली, तो अभी सुबह होने वाली। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अमेजिंग माइनक्राफ्ट वीडियोस एंड सीरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।